ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू PR प्लस PQ इक्वल 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो देखिए PQR एक ट्रायंगल बना लेते हैं P राइट एंगल एट Q, इट मीन्स Q और R। P और R में कोई वो नहीं है, आप इसको P मान सकते हैं इसे, ये चूँकि एक्यूट एंगल है तो दोनों में से किसी को। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है एंगल क्यू PR प्लस PQ इक्वल 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। एक और इसमें क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कुछ और 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाँ ठीक है, अब हो गया। अब हमें सॉल्यूशन हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है सॉल्यूशन में। क्या है दिया हुआ, क्या है PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ। इसमें कहता है कि सॉरी PQ या PQ 5 सेंटीमीटर, अच्छा PQ प्लस QR, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, PR प्लस QR है, सॉरी PR प्लस QR, PR प्लस QR है और PQ, अब ठीक है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें कहता है साइन P फाइंड करिए, कॉस P करिए और टेन P कीजिए, और हमें है ही नहीं, ना तो परपेंडिकुलर है ना तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है और देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, या तो अब देखिए PR तो है ही नहीं, तो यहाँ से हमें PR मिल सकता है, PR इक्वल 25 माइनस QR। तो इसकी वैल्यू इसमें हम रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस QR नहीं दिया हुआ तो यही रहेगा। इसका A माइनस B का फॉर्मूला लगा दीजिए तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर यस इक्वल 5 जा 25 प्लस QR स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 5 जा 25, 2 3 जा 6 माइनस 25 2 जा 50 QR प्लस QR स्क्वायर इक्वल 25 प्लस QR स्क्वायर। देखिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि अगर इधर इसको ले जाते हैं तो हमें माइनस में मिलेगा और माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ए दोनों की, तो अगर इसे हम इस तरफ ले जाते हैं माइनस 50 QR इक्वल 25 माइनस 625, इसे भी हम ले जा सकते थे उस तरफ, तो चलिए अब क्या मिल गया माइनस 50 QR इक्वल माइनस 600, इससे कैंसिल हो गया माइनस माइनस कैंसिल, तो QR इक्वल मिल गया 600/50 और इससे कट गया, ये मिल गया हमें 12, यानी कि QR मिल गया 12। अब हमें PR चाहिए, तो यहाँ देखिए PR इक्वल क्या है 25 माइनस QR, यही है ना, तो 25 माइनस QR और QR कितना आ गया 12, ये हमें मिल गया 13, यानी कि H मिल गया हमें 13। अब क्या निकालना था, अब हमें निकालना है साइन P, तो साइन P की बात करें तो हमें मिलेगा QR अपॉन PR, तो ये मिल गया हमें 12/13। कॉस पी की बात कर रहे हैं तो कॉस पी के एडजेसेंट B क्या मिलेगा PQ और H क्या मिलेगा PR, तो हो गया 5/13। और उसी तरह से टेन P की अगर हम बात करें टेन P की तो P/B, और P क्या है टेन P के सामने P है, सॉरी 12,
तो ये हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, इट मीन्स 12/5, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते थे या फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है जी।